आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे YCB लेवल 3 के सिलेबस की। कौन ये एग्जाम दे सकता है, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका सिलेबस है, ये संपूर्ण तमाम जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी योग प्रमाणीकरण मंडल के द्वारा YCB लेवल 3 कोर्स करवाया जाता है और उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है और क्या इसका पूरा सिलेबस है, ये संपूर्ण जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, लेवल जो 3 है उसे योग टीचर एंड इवेल्युएटर कहा गया है। योग टीचर एंड इवेल्युएटर कहा गया है, आप देख पा रहे हैं ये। तो योग टीचर यानी योग शिक्षक और इवेल्युएटर का मतलब होता है यानी आप उसकी एग्जामिनर, यानी YCB 3 करने के बाद आप शिक्षक भी बन सकते हैं, एग्जामिनर भी बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। तो देखिए, इसका सिलेबस क्या है, तो नाम तो आपको पता चल गया है कि योग टीचर एंड इवेल्युएटर इसका पूरा नाम है इस सर्टिफिकेशन का। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए इसमें ए और बी करके एलिजिबिलिटी दी है या रिक्वायरमेंट दी है, यानी क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए या कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है फॉर ओपन कैंडिडेट देर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी दे सकता है। यानी वो चाहे फर्स्ट क्लास पढ़ा हुआ हो, चाहे अनपढ़ हो, या चाहे वो PhD ही क्यों ना हो, योग में हो या किसी भी फील्ड में हो, कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। फॉर एडमिशन इन द कोर्स इट इज सजेस्टेड डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एन स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर सीधा लिखा गया है, ओपन भी है ये, और दूसरा ग्रेजुएट होना चाहिए वैसे तो, ये यहाँ पर माना गया है ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेवल का टेस्ट है। वैसे तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप जो प्रबंध से देख रहे हैं तो ग्रेजुएट इसमें चाहिए। हाउएवर द योग इंस्टीट्यूशंस कैन डिफाइन दियर ऑन एलिजिबिलिटी, यानी जो भी योग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो PRC भी हैं या जो भी इस एग्जाम को करवाते हैं, वो अपनी ओवन एलिजिबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं, अपने अनुसार भी इसकी योग्यता डिसाइड कर सकते हैं। सामान्यतः जो योग के फील्ड में है तो ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। तो ब्रीफ रोल क्या रहेगा, मास्टर ट्रेनर्स इन योग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, योग ट्रेनर कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ही और शी कैन ऑल्सो एक्ट एज एवेलेटर एंड असेसर ऑफ योग प्रोफेशनल्स, कैन टीच इन स्टूडियोज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। यानी जो व्यक्ति एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है वो एलिजिबल है किसी भी शिक्षण संस्था में पढ़ाने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, स्टूडियो हो, सभी जगह। मिनिमम एज लिमिट इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो 10 साल का हो, 5 साल उम्र हो, या चाहे 50-100 साल का ही क्यों न हो। आगे हम देखते हैं, क्रेडिट पॉइंट फॉर दिस सर्टिफिकेशन 46 क्रेडिट्स होने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपने देखा होगा कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सब कुछ क्रेडिट से ही जोड़ के मांगा गया है। और ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन नॉट लेस देन 800 आवर्स और नॉट लेस देन 15 मंथ्स एज पार्ट टाइम और नॉट लेस देन 9 मंथ इन फुल टाइम कोर्सेज। तो देखिए, आपको 800 घंटे की ट्रेनिंग इसमें लेनी होती है, इस कोर्स को अगर आप पढ़कर करना चाहते हैं तो 800 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, या आपको 15 महीने पढ़ना है, लगभग 12 एक साल प्लस 3 महीने, सवा साल आपको पढ़ना है एज ए पार्ट टाइम। अगर आप फुल फ्लैश पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको 9 महीने में ये फुल टाइम कोर्स माना जाता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इसको पढ़ाता है, करवाता है, तो 9 महीने तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप उसका एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाता है। डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में,
इतने दिन लगातार पढ़ाई करके या इतने घंटे पढ़ाई करके भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। 80 नंबर की इसकी थ्योरी रहेगी, 120 नंबर की प्रैक्टिकल रहेगी, टोटल मार्क्स क्या रहेंगे, 200 रहेंगे। यानी थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा, यानी 1.5 गुना प्रैक्टिकल है इसकी। आगे मैं बात करूँ यूनिट थ्योरी में, देखिए यूनिट जो है 4 हैं, 20-20 मार्क्स की है। फाउंडेशन ऑफ योग है, इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट है, योग एंड अलाइड हेल्थ है, योग एंड हेल्थ एंड अप्लाइड योग। और इसके बाद प्रैक्टिकल में भी 4-5 यूनिट है, क्योंकि 120 मार्क का है प्रैक्टिकल। डेमोस्ट्रेशन स्किल है 60 मार्क्स के, टीचिंग स्किल है 20 मार्क्स, एवलेशन स्किल 20 मार्क्स, अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10 मार्क्स, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, यानी टोटल 120 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का हो गया, थ्योरी 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल 120 मार्क्स। अब देखिए थ्योरी का सिलेबस क्या है, फाउंडेशन ऑफ योग है पहली यूनिट, इसके अंतर्गत आपको योग की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का जो विज्ञान एटमोलॉजी डेफिनेशंस योग की बताना है। महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, भगवत गीता में क्या गया कहा गया है, समत्वम योग उच्यते है ना, और कठोपनिषद में क्या परिभाषा दी गई है, तो योग की ये परिभाषाएं आपको पढ़ना है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ओरिजिन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग, यानी योग का कैसे उदय हुआ, कैसे कैसे इसका इतिहास रहा है, कैसे इसका विकास हुआ है प्री वैदिक पीरियड में और टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, है ना, जो प्री वैदिक टाइम था उस समय और जो वर्तमान तक इसका कैसे विकास हुआ है। योग इन प्रिंसिपल उपनिषद, जो प्रिंसिपल उपनिषद है वो 10 होते हैं, है ना, इनमें जो मुख्य उपनिषद हैं इसमें ईस के इन कठ है ना, मंडूक मांडू के, ये सब मंडूक मांडू के, ऐत्रेय तैतरीय, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये 10 उपनिषद हैं इसमें। अगला है योग ट्रेडिशन इन जैनिज्म, यानी योग परंपरा जो है वो जैनिज्म में क्या रही है, सयादवाद थ्योरी क्या है और थ्योरी ऑफ सेवन फोल्ड प्रेडिक्शना क्या है, कंसेप्ट ऑफ कायोत्सर्ग क्या है, प्रेक्षा मेडिटेशन क्या है। योग ट्रेडिशन इन बुद्धिज्म में कंसेप्ट ऑफ आर्य सत्य ना, फोर नोबल ट्रूथ्स हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग इसमें है, साइलेंट फीचर्स एंड ब्रांचेज ऑफ भारतीय दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन है, हेटोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स दोनों तरह के जो फिलोसफी है उनकी चर्चा यहाँ पर की करनी है आपको। और जनरल इंट्रोडक्शन टू षड दर्शन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सांख्य योग एंड वेदांत दर्शन, यानी सभी जो दर्शन है उनका आपको परिचय पता होना चाहिए और खासकर सांख्य योग और वेदांत के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ब्रीफ सर्वे ऑफ योग इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी ब्रीफ सर्वे ऑफ योग इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी आपको योग के क्षेत्र में जो भी सर्वे हुए हैं, जो भी रिसर्च हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और श्री राम कृष्ण, श्री अरविंदो, महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, परमहंस माधवदास जी, योगाचार्य श्री टी कृष्णमाचार्य जी, इनके समय में योग का कैसे विकास हुआ है ना, क्या क्या नई उत्पत्ति हुई है, क्या इन्होंने नया दिया है, तो ये सब जानकारियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में। गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो बाय द प्रैक्टिशनर, कौन कौन से जो सिद्धांत हैं योग के वो प्रैक्टिशनर को यानी अभ्यासी को कैसे फॉलो करने चाहिए। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स ऑफ योग, यानी योग के जो स्कूल्स हैं, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, इनकी भी चर्चा आपको करनी है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तो योग की त्रिवेणी है जिसका वर्णन हमें गीता में भी मिलता है। 1.14 कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, स्थूल व्यायाम के बारे में, सूर्य नमस्कार एंड दियर सिग्निफिकेंस इन योग साधना, यानी योग साधना में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ षटकर्मा, यानी षटकर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, योग साधना में किस तरह से उपयोगी हैं, और योगासन के बारे में भी ऐसे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, योग साधना में किस प्रकार उपयोगी हैं, है ना, आसनों का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है,
स्टिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर है ना, एब्डोमिनल लेइंग पोस्चर, स्पाइन लेइंग पोस्चर, सब तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे प्राणायाम के बारे में, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम का क्या स्वरूप है, घेरण संहिता में क्या बताया है, महर्षि पतंजलि जी ने क्या बताया है, तो मोस्टली जो ये ग्रंथ है इनमें जो प्राणायाम का स्वरूप है वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू बंद एंड मुद्रा एंड दियर हेल्थ बेनिफिट्स, बंद और मुद्राओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, खासकर जो हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में बताई गई है। योग सूत्र में बंद और मुद्रा की कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है। इंट्रोडक्शन टू योग, योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योग निद्रा, यानी योग निद्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू ध्यान एंड इट्स रोल इन हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य में और खुशहाली के लिए योग जो है उसमें ध्यान की क्या भूमिका है आपको पता होना चाहिए। यूनिट जो सेकंड है उसमें योगा टेक्स्ट के बारे में है, यानी प्रस्थान त्रयी जो है, प्रस्थान त्रयी जो है उसका आपको पता होना चाहिए, जिसे आपने सुना होगा ना, प्रस्थान त्रय किसे कहते हैं, भगवत गीता, उपनिषद और वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। योग इन कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैतरीयोपनिषद विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पंचकोश, विवेक एंड आनंद मीमांसा, है ना, पंचकोश का जिक्र मिलता है तैतरीय उपनिषद में, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं चैप्टर 2 में सांख्य योग में, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। और कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, भगवत गीता में आहार विहार आचार विचार की चर्चा की है, और छठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट ऑफ योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ का आपको परिचय पता होना चाहिए कि योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है। 6 इसमें चैप्टर या प्रकरण हैं, 32,000 इसमें श्लोक हैं, है ना, और योग की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एंड योग एंड दियर रिलीवेंस इन योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में योग का किस तरह से वर्णन मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ पातंजल योग सूत्र, जो सिलेक्टेड सूत्राज हैं इसमें दिया गया, चैप्टर 1 के 1 से 12 तक जो सूत्र हैं वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 2 में 1 और 2 जो श्लोक हैं और 46 जो श्लोक या सूत्र है वो पता होना चाहिए, और 55 जो है वो पता होना चाहिए। चैप्टर 3 है उसमें 1 से 6 तक के श्लोक आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ चित्त, चित्त क्या है, चित्त भूमि क्या होती है, चित्त वृत्ति क्या होती है, चित्त विक्षेप क्या है, चित्त प्रसादनम क्या है, है ना, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम, ये चित्त प्रसादनम है। चित्त क्या है, मन बुद्धि अहंकार। चित्त भूमियाँ क्या होती हैं, क्षिप्त विक्षिप्त मूड और एकाग्र। चित्त वृत्तियाँ क्या है, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा। ये चित्त विक्षेप क्या है, जो चित्त को बाधित करते हैं, चित्त को दिक्कत करते हैं, जो नो अंतराय है ना, और साथ में 5 विक्षेप सैभु हैं, तो वो सब की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्लेश पंच क्लेश, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, विवेक ख्याति एंड दियर रिलेशन विद वेलनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर बताया, नहीं ईश्वर के बारे में, स एसा पूर्वासामपि कालेन न छेदात, यानी वो गुरुओं का भी गुरु है, पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तस्य वाचक परिणाम, है ना, ईश्वर के गुण भी दिए गए ना, कलेश कर्म विपाक आश्चर्य अछुत्ता चेतन तत्व जो है वो ईश्वर है। ईश्वर प्रणिधान की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिया, क्रिया योग ऑफ पातंजल एंड इट्स इंपोर्टेंस फॉर हेल्दी लिविंग, भैरंग योग ऑफ महर्षि पतंजलि, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को भैरंग योग कहा है, और धारणा ध्यान को संयम भी कहते हैं और अंतरंग योग भी कहते हैं, यानी ये पूरा अष्टांग योग। कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पातंजल योग सूत्र, यानी मानसिक
जो स्वास्थ्य है, मेंटली जो वेलबिंग है उसकी चर्चा करनी है आपको। हठ योग के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है, हठ योग का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या उसकी भ्रांतियां हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। साधक बाधक तत्व आपको पता होना चाहिए, है ना, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान आदर, है ना, जनसंग त्याग दृढ़ निश्चय, ये सब पता होना चाहिए आपको। ऐसे बाधक तत्व हैं अत्याहार प्रयास प्रज्वलन नियम आग्रह, ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ योग, मठ के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिताहार के बारे में, पथ्य अपथ्य, ये सब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स यानी जो साधक उसकी श्रेणी का भी आपको पता होना चाहिए, उत्तम मध्यम, है ना, उत्तम मध्यम और निम्न कोटि के साधक, है ना। हठ योग प्रैक्टिसेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हठ योग का टेक्स्ट यानी हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ नावली, यानी तीन ग्रंथों को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया है। कंसेप्ट ऑफ श्वास प्रश्वास, वायु प्राण अप उपप्राण षट चक्र, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हठ योग का प्रैक्टिसेज फॉर वेलनेस यानी षटक्रम आसन प्राणायाम मुद्रा नाद अनुसंधान, रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हठ योग का प्रैक्टिस इन हेल्थ एंड वेलबींग यानी क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है हठ योग प्रैक्टिसेज की स्वास्थ्य में और वेलबींग में। तीसरी यूनिट में योग एंड हेल्थ के बारे में चर्चा है और इसमें ह्यूमन बॉडी की चर्चा की गई है, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, यानी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब सिस्टम की चर्चा यहाँ पर की गई है। होमोस्टेसिस, इट्स मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इंट्रोडक्शन टू सेंसरी ऑर्गन्स यानी पांच हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, नॉज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, इम्पैक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेनिफिट्स ऑफ षटक्रम योगासन प्राणायाम एंड बंद ऑन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो यानी योग की क्या क्या, योग की जो क्रियाएं हैं उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, षटक्रम का, योगाभ्यास का, प्राणायाम का, बंद का, है ना, खासकर किस पे, रेस्पिरेटरी पे, सर्कुलेटरी पे और मस्कुलर सिस्टम के। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी भी है, देखिए इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी का कंसेप्ट आपको बताना है, मन का के बारे में बताना है, स्टेजेज ऑफ कॉन्शियसनेस बताना है, कॉग्निटिव प्रोसेस बताना है आपको, और बिहेवियर के बारे में बताना है आपको, मोटिवेशन के बारे में बताना है आपको, इमोशंस के बारे में आपको बताना है, और मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, और मेंटल इलनेस की चर्चा की गई है, और आगे फिर योग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, योगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वेलनेस एंड इलनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ साइको सोशल एनवायरमेंटल फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, रोल ऑफ योग इन वेरियस डायमेंशंस फिजिकल मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑफ हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग दिनचर्या एंड ऋतुचर्या फॉर वेलबींग, समग्र स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या का क्या महत्व है ये आपको बताना है, रोल ऑफ आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य इन वेलनेस, वेलनेस में आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का क्या रोल है, क्या भूमिका, वो भी आपको बताना है। योग फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, मतलब आपको बताना है हेल्थ क्या है, रोग क्या है, कंसेप्ट ऑफ आदि और व्याधि आपको बताना है, योग एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ ये बताना है, हियम दुखम अनागतम यानी आने वाले दुखों को रोका जा सकता है, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, तपात्रियाज, कलेशाज, मेंटल इमोशनल इल हेल्थ, अंतराइज, योग अंतराय है ना उनके बारे में बताना है, नौ बाधाएं जो प्रमुख होती है ना, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। शुद्धि प्रक्रिया यानी जो छह शुद्धि प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में, और त्रिगुण का आपको पता होना चाहिए, पंचकोश, पंच प्राण, षट का, षट चक्र एंड दियर रोल, ये सारी देखो जानकारी हमने योगसार पुस्तक में दी हुई है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं योगसार को बहुत अच्छे से तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है लेवल थ्री का। यज्ञ कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यानी
योग से का जो कॉन्सेप्ट है समग्र स्वास्थ्य का, उस पे आपको संपूर्ण चर्चा करनी है। कैसे हम डिजीज का मैनेज कर सकते हैं योगिक कंसेप्ट के द्वारा। यूनिट 4 जो है अप्लाइड योग है, योग एंड एजुकेशन, यानी एजुकेशन, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, गोल, रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एक्सीलेंस, योग इन एजुकेशन, साइलेंट फीचर ऑफ योग एजुकेशन, यानी योग शिक्षा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या महत्व है, स्टूडेंट टीचर के बीच क्या रिलेशन होता है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, क्योंकि योग तो पूरा ही गुरु शिष्य परंपरा पर है ना, और जो नैतिक शिक्षा है ना, वैल्यू एजुकेशन, वो क्या है, उसकी परिभाषा आपको बतानी है, और वैल्यू ओरिएंटेड जो एजुकेशन होती है, इन पर्सनलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास में मूल्यपरक जो शिक्षा है उसकी चर्चा आपको करनी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ योग टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति कैसे आपकी हो, है ना, कैसे आपके नैतिक मूल्यों का विकास हो, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ आइडियल योग टीचर्स, एक जो अच्छा शिक्षक होता है, एक आइडियल टीचर होता है, उसमें क्या गुण विशेषताएं होनी चाहिए। रोल ऑफ योगा टीचर इन वैल्यू एडेड, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी एक मूल्यपरक जो शिक्षा है उसमें योग शिक्षक की क्या भूमिका है, और रोल ऑफ योग इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी, एक समाज स्वस्थ रहे, समाज के सभी लोग हेल्दी रहे, इसमें योग की क्या भूमिका है। योग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी इसमें पर्सनैलिटी का अर्थ आपको बताना है, पर्सनैलिटी के प्रकार आपको बताना है, और अलग अलग उसके अकॉर्डिंग बताना आपको, योग के अनुसार पर्सनैलिटी क्या है, साइकोलॉजी के अनुसार क्या है, आयुर्वेद के अनुसार क्या है, गीता के अनुसार क्या है, तो ये सब पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं वो सब आपको बताने हैं, योग के परिप्रेक्ष्य में भी, मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भी। और पर्सनालिटी के विकास में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, इन सब की क्या भूमिका है, ये भी आपको बताना है। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कंसिक्वेंस, तो देखिए आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन देना है, प्रकार देने हैं, है ना, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस दो प्रकार का होता है ना, सिम्टम्स क्या है ना, अष्टांग योग से कैसे हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, कैसे तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र से, भगवत गीता से, और स्पेशल जो प्रैक्टिसेज हैं, यानी आसन, ब्रीदिंग अवेयरनेस, स्वासन, योग निद्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनसे कैसे हम तनाव को दूर कर सकते हैं। योग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिनका सामना हमें नॉर्मल करना पड़ता है, तो वो कौन कौन सी और कैसे हम उनको, उनसे बचाव करें, कैसे हम उनका प्रबंधन करें, तो योगिक लाइफस्टाइल आपको बताना है। जैसे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल होती है, योगिक लाइफस्टाइल होती है, नेचुरल जो लाइफस्टाइल होती है, यानी ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या, और इसमें सामान्य रोगों के बारे में पूछा गया है, एसिडिटी यानी आपको अम्लपित्त की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS होता है, ब्रोंकल अस्थमा जो होता है, साइनोसाइटिस, हाइपरटेंशन, नेक पेन, लो बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, ये सब। रोल ऑफ योग इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिसऑर्डर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये तो हो ही गया है। और आगे है रोल ऑफ योग इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, यानी जो संक्रमण ये नहीं है ना, उनका क्या, उनसे कैसे बचोगे, कैसे उनका उपचार करोगे, कैसे उनका प्रबंधन करोगे, इस बारे में पूरी चर्चा आपको करनी है। योग एज एन इंटीग्रेटिव मेडिसिन, योग एक मतलब एकात्मक इकाई, एकात्मक, इंटीग्रेटिव यानी मतलब होलिस्टिक टाइप में मेडिसिन है ना, उसके हमें चर्चा करनी है। और प्रैक्टिकल सिलेबस में सबसे पहला ए पार्ट है डेमोस्ट्रेशन स्किल, आप में इसमें प्रेयर है, आपको रजिस्ट्रेशन मंत्रों का करना है, ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं, मंत्रों का, प्रार्थना, है ना, यूनिवर्सल प्रेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, इनोकेशंस एंड निष्पत्ति भाव कर सकते हैं, योगिक षटक्रम में सूत्र नीति, जल नीति,
वमन धोती, कुंजल, वातक्रम, है ना, कपालभाति के ये प्रकार दिए गए हैं। वातक्रम सिर्फ धोती में सिर्फ वमन धोती दी है जिसे कुंजल कहा है। नेति में सिर्फ सूत्र नेति और जल नेति दी है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म यानी माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस, इसमें नेक के मूवमेंट दिए गए हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक के 1, 2, 3, 4 अभ्यास हैं। शोल्डर मूवमेंट यानी भुजबली शक्ति विकासक, पूर्ण भुजबली शक्ति विकासक। ट्रंक मूवमेंट यानी कमर के जो अभ्यास हैं, कटी शक्ति विकासक 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं। नी मूवमेंट, जांग शक्ति विकासक, इसके और भी पार्ट दिए हैं, जानु शक्ति विकासक। एंकल मूवमेंट यानी टकने का मूवमेंट जो है, पाद मूल शक्ति विकासक और गुल्फ पाद, पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक। यौगिक स्थूल व्यायाम यानी माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस, सर्वांग पुष्टि और हृदय गति इंजन दौड़ जिसे कहते हैं ना, हृदय गति इंजन दौड़, इंजन रन, ये दो स्थूल व्यायाम हैं। सूर्य नमस्कार दिया है विद मंत्राज, योगासन दिए हैं, ये आप देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं, ताड़ासन, हस्तोतानासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पाद पादहस्तासन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, कटी चक्रासन, दंडासन, भद्रासन, पद्मासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, पर्वतासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशंस। अगला है उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, सेतुबंधासन, सरल मत्स्यासन और हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, शवासन। प्रीपरेटरी ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, सेक्शनल ब्रीदिंग में है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरसिक ब्रीदिंग एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। अगला है यौगिक डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। प्राणायाम में दिया है इन्होंने, आपको पता होना चाहिए रेचक क्या होता है, पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, उज्जयी प्राणायाम क्या होता है विदाउट कुंभक, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, सब विदाउट कुंभक है। कंसेप्ट एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध। कंसेप्ट एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ मुद्रा, योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। प्रैक्टिसेस ऑफ लीडिंग ध्यान साधना, बॉडी अवेयरनेस एंड इट्स ब्रीदिंग अवेयरनेस, योग निद्रा, अंतर्मौन, रेजिटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम, रेजिटेशन ऑफ हेम्स, प्रैक्टिस ऑफ ध्यान। अब टीचिंग स्किल्स हैं, ये लास्ट है टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल में आप पढ़ सकते हैं टीचिंग मेथड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योग, फैक्टर इन्फ्लुएंस योग टीचिंग, नीड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स यूजेज इन योग प्रैक्टिसेस, टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री जो होती है ना, वो क्या क्या चाहिए टीचिंग के लिए, इसमें दिया गया है। मीनिंग एंड नीड, रोल ऑफ लैंग्वेज, वॉइस फ्लुएंसी, क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज इन एन आइडियल प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ टीचिंग योग टू एन इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी आप टेक्निकल तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों को कोई स्पेशल लेसन आपको पढ़ाना है या कुछ स्पेशल आपको आसन दिखाने हैं कुछ, है ना, तो वो आप ऑडियो विजुअल आईसीटी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, मल्टीमीडिया, ऑनलाइन, है ना, जूम आदि से भी। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड है ना, लेसन प्लान, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान योग, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान, है ना, क्रिया योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, असेसमेंट ऑफ ए योगा क्लासेस, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड डिजिग्नेशन ऑफ फॉर्मेटिव, सुमेटिव एवेल्यूशन, प्रोग्राम एवेल्यूशन, योगा क्लासेस, वर्कशॉप, कैंप्स, योग टीचिंग एंड योगा टीचर, यानी आपको असेसमेंट का पता होना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिकल लेनी है, कैसे आपको क्लासेस लेनी है, कैसे आपको वर्कशॉप लेनी है ना, कैसे आप इवेल्युएट करेंगे उनको, ये सब आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट कैसे करना है, क्योंकि आप ये एवेल्यूशन एवेल्युएटर का भी तो है ना ये एग्जाम। असेसमेंट ऑफ योगा सेंटर इंस्टीट्यूट्स, यानी आप जब किसी इंस्टीट्यूट की यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, तो उनकी भी कैसे आप असेसमेंट करेंगे, कैसे
उनकी मार्किंग करेंगे, है ना, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, सब पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर रेफरेंस बुक दी गई है, इन बुक्स का आप सहारा लेकर इस पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स फॉर रेफरेंस फॉर प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकम के लिए ये है। तो ये संपूर्ण सिलेबस की चर्चा की हमने लेवल 3 की। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, निसंदेह निसंकोच आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।